खिलेगा कमल। तो वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मतदाताओं को लुभाने के लिए लगाया एड़ी चोटी का जोर। इधर एमसीडी चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक जनसभाओं के साथ ही कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। भारतीय रिजर्व बैंक आज खुदरा डिजिटल रुपया को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर रहा है। मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में हो रही है शुरुआत। डिजिटल रुपी के लिए 8 बैंकों का किया गया है चयन। और नागालैंड में आज 23वें हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि के रूप में इस 10 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस और अब हम देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। और आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गुजरात में चल रही वोटिंग की। गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान जारी है। तो पहले चरण का मतदान चल रहा है गुजरात में और सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी गुजरात के 19 जिलों की 89 सीटों के लिए यह वोटिंग चल रही है। ये काफी महत्वपूर्ण 89 सीटें। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत का हो रहा है फैसला। तो मतदाता इनके किस्मत का फैसला कर रहे हैं और इसमें 69 महिला प्रत्याशी भी हैं जबकि 719 पुरुष उम्मीदवार हैं। और इन सभी सीटों के लिए, 89 सीटों के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों के अलावा 339 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। तो वो कितने वोट लाएंगे ये भी अहमियत रखता है। पहले चरण में कुल 2,39,76,670 मतदाताओं के पास मताधिकार है। मोरबी, भावनगर और जामनगर समेत कई जिलों में मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया है। तो ये इससे पता चलता है कि मतदान कैसा रहने वाला है और कैसा मतदान चल रहा है। इस पर जानकारी देने के लिए हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले नीरज सिंह हमारे साथ सूरत से जुड़ चुके हैं। नीरज, सूरत की काफी अहमियत है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। नीरज, तो सूरत में, सूरत का इलाका औद्योगिक इलाका है, शहरी इलाका है, कहा जाता है कि शहर के इलाके थोड़े कम निकलते हैं वोट डालने के लिए, लेकिन आपके पीछे तो अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, कतार में लोग खड़े हैं वोटिंग के लिए। कैसी चल रही है वोटिंग नीरज? बिल्कुल लालचंद, और ये 2017 में भी ऐसी ही वोटिंग हुई थी। और जो आप कह रहे हैं कि शहरी लोग कम निकलते हैं, सूरत कम से कम इसका अपवाद है। और अगर आप 2017 के परिणाम भी देखें तो सूरत से बड़ी संख्या में जो वोटिंग परसेंटेज है वो हुआ था। और अभी भी मेरे पीछे जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये सुबह 8 बजे से है लालचंद, और ये लाइन का सिलसिला 8 बजे से अभी तक 2 बजे तक जारी है। ये बताता है कि जो सूरत के लोग हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, लोकतंत्र की वैल्यू समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि आने वाले 5 साल उनका जो भविष्य है वो कौन उम्मीदवार संभालेगा, आने वाले 5 साल कौन सरकार है जो उनके जो तमाम इश्यूज हैं उन पर काम करेगी, जो सरकार उनको आगे लेके जाएगी, वो सरकार जो राज्य में शांति करेगी, उसी के लिए ये जो मतदाता हैं वो निकल कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मतदाताओं में महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है लालचंद। बड़ी संख्या में जो महिला मतदाता हैं वो अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। पिछली बार भी महिला मतदाताओं ने बाजी मारी थी, जैसे पढ़ाई में महिला जो हमारी लड़कियां हैं वो बाजी मारती हैं लड़कों से हमेशा, उसी तरीके से वोटिंग में गुजरात की जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से बाजी मारती हुई दिखाई दे रही हैं। 2017 में बाजी मारी थी, इस बार भी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो लाइन आप देख रहे हैं महिलाओं की, ये लगातार सुबह 8 बजे से लालचंद जारी है और अभी भी लगातार बड़ी संख्या में महिलाएं आ रही हैं। महिलाओं का जिक्र इसलिए भी लालचंद कर रहा था कि उनके पास दोहरी जिम्मेदारी होती है, घर का काम भी करना होता है, बच्चों को संभालना भी होता है, और उसके बाद यहाँ पर आकर वोट भी करना होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी गुजरात की महिलाएं निभा रही हैं। और इसके अलावा पुरुष भी कम नहीं है, लाइन पुरुष मतदाताओं की है, उनकी भी लंबी लाइन है। और उसमें खास तौर से जो युवा मतदाता हैं
जो युवा मतदाता है वो बड़ी संख्या में निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और लालचंद पहली बार ऐसा है कि 11.5 लाख के करीब युवा मतदाता हैं और 30 से 40 सीटें ऐसी हैं लालचंद 182 में से जहां हार जीत का जो अंतर है वो 150 से लेकर 3,000-4,000 के बीच में हुआ था। तो उस समय ये युवा मतदाता बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने भी लगातार अपील किया युवा मतदाताओं से कि वो अपने मत का प्रयोग करें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने भी, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, इस तरह में जो युवा जो वर्ग है, युवा मतदाता है, उसको रिझाने की कोशिश करी है। और युवा भी निकलकर वोटिंग जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पहुंचा है, तो कम से कम यह जरूर है कि लोकतंत्र के लिए जो बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं कि लोकतंत्र की समृद्धि के लिए बढ़िया है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए बढ़िया है। सरकार कोई भी आए, कोई भी जाए, लेकिन लोकतंत्र मजबूत हो ये बड़ी चीज है। और कम से कम यहां निकले जो घरों से लोग निकल रहे हैं वो तो यही बता रहे हैं कि गुजरात का लोकतंत्र जबरदस्त मजबूत है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आपने खासतौर पर जिक्र किया महिला मतदाताओं का, पहले टाइम के जो वोटर हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, युवा मतदाता है, उनका आपने जिक्र किया। ये बताइए कि आमतौर पर नीरज हम देखते हैं कि चुनाव आयोग हर एक चुनाव में कुछ ना कुछ नई पहल करता है, मतदाताओं को और ज्यादा संख्या में लाने के लिए कुछ ना कुछ नई पहल करता है। इस बार ऐसा कुछ वहां पर आपको दिख रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, कोई खास इंतजाम नीरज? बिल्कुल, कई सारी नई पहल लालचंद गुजरात में देखने को आपको मिल रही हैं। चुनाव आयोग ने जो पहल की है, एक तो 80 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं और इसके अलावा जो दिव्यांग हैं वो अगर अपने घरों से वोट करना चाहते हैं तो उसका इंतजाम भी चुनाव आयोग ने किया है। इसके अलावा अगर वो जो वोटिंग सेंटर है वहाँ पर आकर अगर वोट करना चाहते हैं तो उनके लिए पिक और ड्रॉप की सुविधा है वो चुनाव आयोग ने उपलब्ध कराई है। इसके अलावा जो भी मतदान केंद्र हैं वहाँ पर बेसिक चीज़ें तो उपलब्ध है ही हैं, वॉलंटियर लगाए गए हैं। इसके अलावा उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, लाइन में खड़ा ना उनका होना पड़े, सबसे पहले प्राथमिकता जो बुजुर्ग मतदाता हैं उनको दी जा रही है। और इसके अलावा जो तमाम सुविधाएँ हैं वहाँ पर मौजूद हैं, चाहे पीने के पानी हो, दिल्ली में आप बैठे हैं, दिल्ली में थोड़ी सर्दी बढ़ गई है लेकिन गुजरात में अभी भी गर्मी है और राजनीतिक भी गर्मी बढ़ी हुई है, तो उस वजह से लोगों को गर्मी से परेशानी ना हो, उनको पानी की जो दिक्कत है उससे कोई परेशानी ना हो, तो उन तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। और दूसरी अगर आप देखें कि जिस तरह से सामान्य मतदान बनाए गए हैं, सखी मतदान बनाए गए हैं जहाँ पे सिर्फ महिला मतदाता जो महिलाएं हैं वही उस बूथ का संचालन कर रही हैं, इसके अलावा जो कह सकते हैं कि वातावरण फ्रेंडली जो मतदान केंद्र हैं वो बनाए गए हैं, खासतौर से एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसके अलावा आदिवासी मतदान केंद्र बनाए गए, तो इस तरह के तमाम जो प्रयास हैं वो चुनाव आयोग ने किए हैं और उसका जो असर है वो दिखाई भी दे रहा है। जिस तरह से कैंपेन स्वीप कार्यक्रम के द्वारा चुनाव आयोग ने की, गली गली जाकर, गांव गांव में जाकर, उसका असर दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में लोग निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हमने पूछा भी उनसे कि जिस तरह के इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं आप संतुष्ट हैं, आपको किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही? बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनका ये मानना था कि हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमने घर से हमको लिया गया, हमको यहाँ पर ड्रॉप किया गया, इसके अलावा हमने मतदान किया और उसके बाद हमको घर पर छोड़ दिया गया। तो ये तमाम सुविधाएं चुनाव आयोग ने इन लोगों के लिए की है ताकि हर कोई व्यक्ति इस पर्व में अपनी भागीदारी निभा सके। नीरज, मतदान का प्रतिशत कैसा है, क्योंकि लगभग 2/3 समय बीत चुका है, 2 से ज्यादा बच चुके हैं, 8 बजे से शुरुआत हुई थी, 5 बजे तक चलना है, 2/3 वक्त गुजर चुका है, कैसा मतदान का प्रतिशत कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, मतदान का जो प्रतिशत है वो अभी हालांकि 2 बजे के जो आंकड़े हैं वो लालचंद नहीं आए हैं, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से मतदान गुजरात में हुआ था और एक बड़ी कह सकते हैं कि जो संख्या है वो परसेंटेज में देखने को मिली थी, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि 70-75% के आसपास जो मतदान है वो गुजरात में देखने को मिलेगा, और कमोवेश वही स्थिति आपको सूरत में देखने को मिलेगी। और हो सकता है कि सूरत एक एग्जाम्पल हो तमाम सिटीज के लिए कि एक बड़ी संख्या में जो मतदान का प्रतिशत है वो सूरत से देखने को मिले। हमें उम्मीद की जा रही है, हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से लोग निकल कर आ रहे हैं 75 से 80% के आसपास सूरत के अंदर मतदान हो सकता है। लालचंद, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे नीरज। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि पहले चरण का मतदान तो गुजरात में चल रहा है लेकिन दूसरे चरण के लिए प्रचार कैसा चल रहा है, इस पर करेंगे खासतौर पर बात। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया,
उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds and